ज्यादा नहीं होता। जब मैंने जन्म लिया था उसी समय यदि मुझे मार दिया होता तो ज्यादा ठीक। राम विरोधी बना करके संसार में जो आपने मुझे जीवन दिया है वो सबसे ज्यादा कष्टकारी। हित हमार सिय पति सेवकाई, मेरा सबसे बड़ा हित मेरे भगवान की सेवा में था और वही आपने छीन लिया। कहते हैं पुत्र के मन की बात को माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आज भरत रोए हैं। मेरे मन में भी कभी ऐसी कल्पना नहीं रही कि मुझे सिंहासन मिल जाए, फिर आपके मन में ये कुरुचि कहाँ से आ गई, आपके मन में ये गलत बात कहाँ से आ गई कि मुझे सिंहासन चाहिए। कह कही फिर समझाने के लिए आगे बढ़ी, श्री भरत जी ने इशारा कर दिया कि बस आपको जितना मेरा हित करना था आपने कर दिया, मेरे भगवान को वनवासी बना दिया, मेरे पिता को स्वर्गवासी बना दिया, अब मुझे और किसी हित की आवश्यकता नहीं है। कैकेयी को कह दिया जो हसी सो हसी मुंह मसलाई, तू जो है वो ठीक है लेकिन आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। मेरा और तेरा जो संबंध है उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ मन से आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। कैकेयी को बोल दिया जो मेरे भगवान को कष्ट देने वाले हो उससे मेरा क्या संबंध हो सकता है। कैकेयी पुकारती रह गई, भरत ने कह दिया कि आज से सेवा करने आऊँगा, लेकिन सेवा का भाव सिर्फ इतना रहेगा कि मेरे स्वर्गीय पिता की धर्मपत्नी है आप, अवध की महारानी है, उस रूप में सेवा करूंगा, पर कभी माँ कहकर नहीं पुकारूंगा। भरत ने सबसे बड़ा संबंध जो होता है, हमारे यहाँ कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती है, पर आज भरत बोले क्या संसार मेरी माँ को देखकर भी यही कहेगा कि माता कुमाता नहीं होती, मेरे भगवान ने कौन सा अपराध किया था जो तूने वनवासी बना दिया। जो हसी सो हसी मुंह मसला, तक मेरे शरीर में आखिरी श्वास रहे तब तक मेरे सामने मत आना, कभी मुझे पुत्र मत कहना। लेकिन अब जब यहां से चले सोचने लगे उस माँ के पास, कौशल्या के पास चलूं, बड़ी माता के पास चलूं, लेकिन जब भरत चले हैं शत्रुघ्न साथ में, आज भरत जी का चरण उस माँ के भवन की ओर चलता नहीं। उस माँ को जाकर के कहूंगा क्या जिसका सर्वस्व लुट गया और कारण मैं हूं, उस माँ को जाकर क्या समझाऊंगा क्या कहूंगा। श्री भरत जैसे तैसे दरवाजे तक आए
और मानस में दर्शन आया। जब भरत दरवाजे पर खड़े हैं, यहीं से आवाज लगाई, माँ जिसके कारण तेरा सर्वस्व उजड़ गया वो भरत तेरे दरवाजे पर है, क्या तुझे स्वीकार है। मानसकार कहते हैं जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई, बाहर राजभवन के दरवाजे से भरत ने झांक करके देखा, आंगन में अवध की बड़ी महारानी राम जननी बैठी है और जहां बैठी है वहां कोई आसन नहीं है, बिना बिस्तर के बिना आसन के ऐसे ही पृथ्वी पर बैठी है। शरीर पर जो वस्त्र है वो मैला हो गया, कई दिन हो गए वस्त्र बदलने की किसको सुध है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं आज जब कौशल्या जी का जो दर्शन किया, मलिन बसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार, दुख के भार से मानो माँ का शरीर झुक गया, आंख बंद है, नेत्रों से केवल अश्रु धारा बह रही है। मानसकार कहते हैं आज भरत ने दूर से जो देखा, भरत की रही सही हिम्मत भी चली गई। एक बार फिर सोचा आवाज लगा दूं, यदि माँ को मैं स्वीकार होऊंगा, यद्यपि तो मेरा अपराध अक्षम्य है, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, जिसकी गोद को मैंने सुना कर दिया, जिसके सिंदूर को, जिसकी मांग को मैंने सुना कर दिया, उस माँ के सामने कैसे मैं। लेकिन वो माँ है, वो राम जननी है, शायद मुझे स्वीकार कर ले। श्री भरत ने एक बार फिर आवाज लगाई, माँ में कैकेयी पुत्र भरत दरवाजे पर खड़ा, क्या आप मेरा मुख भी देखना चाहती है। कौशल्या जी के कान में अब भरत की आवाज पड़ी, भाव समाधि टूटी और दौड़ पड़ी दरवाजे की ओर, मेरा भरत आ गया। मानो ये माँ प्रतीक्षा ही कर रही थी कि कब भरत आए और कब अवध की स्थितियां संभले। भरत को देखा दरवाजे पर तो दौड़ पड़ी, भरत देख माँ तू उठ मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज दौड़ी है तो कुछ दूर तक तो चल पाई, लेकिन उससे आगे जब बड़ी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। श्री भरत ने देखा कि माँ गिर रही है, दौड़ करके आए, भरत ने हाथ का सहारा दिया, माँ को गिरने से बचाया और गोद में ही सिर रख करके भरत बैठे। मानसकार कहते हैं जब माँ मूर्छित हुई, अचेतन हुई और आंख बंद हो गई तो भरत का धैर्य जवाब दे गया, रो पड़े, माँ मैं अपनी ओर देखता हूं तो लगता है संसार में मोह समान को पाप निवास हो, मेरे जैसा और कोई पापी होगा दुनिया में, एकमात्र आपके सहारे से आया था, आपने भी मेरा मुख देखना स्वीकार नहीं किया, मेरे पिता ने आखिरी समय मुझे याद भी नहीं किया, भगवान वनवास को चले गए एक बार भी मुझे याद नहीं किया, और आज मैं आया तो आपके भी नेत्र बंद हो गए, क्या आप मुझे मेरे मुख को देखना नहीं चाहते। कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा अपराध इतना बड़ा है,
लेकिन माँ मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहूँ, भले ही कुल कलंक हूँ मैं, भले ही पापी हूँ मैं, लेकिन सच्चाई ये है कैकई ने जो किया है उसमें मेरा थोड़ा भी सहयोग नहीं है। मैंने मन से भी कभी अयोध्या के सिंहासन को नहीं चाहा। यदि मैंने कैकई के किए हुए कर्म में मन से भी कभी स्वप्न में भी मैंने कल्पना की हो तो आज भरत रोए है। माँ मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ, जो एक ब्रह्म हत्या करने वाले को पाप लगता है वो मुझे ही लगे, गुरु हत्या करने वाले को जो महापातक लगता है वो भरत को मिले, जो गौ माता को मारने वाला है, गोघात करने वाला है, उसका पाप मुझे लगे। यदि मैंने एक क्षण के लिए भी कल्पना में भी कभी स्वप्न में भी कैकई के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया उसमें मैंने सहयोग किया हो। मानसकार कहते हैं, तब तक जब भरत बोल रहे थे माँ होश में आई, भरत रो रहे हैं, इस माँ ने भरत को गोद में बैठाया और माँ ने अपने आंचल से भरत के आंसुओं को पहुंचा। ये राम जननी है जिसने राम जैसा पुत्र समाज को दिया, संसार को दिया। उस माँ की धैर्य, उस माँ की धीरता अद्भुत है। महाराज भरत को शांत कर रही है।